नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर जाखड़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर डी राज सर। जी सर, आज अपन एसिड एसिड डेरिवेटिव के सवाल सॉल्व करेंगे। एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। जी। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे सर। जी। ये अपने को क्या दे रखा है? एसिड अमाइड दे रखा है, P2O5 दे रखा है, P2O5, B2O5, POCl3 डिहाइड्रेटिंग एसेंट होते हैं। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिहाइड्रेशन कर देंगे, यानी कि साइनाइड में चेंज कर देंगे। और साइनाइड का फिर अपने पास क्या मिला है? ए, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा सर? कंप्लीट करवाएंगे तो एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि C और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपने को कहता कि पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाना है, अगर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाता तो आंशिक हाइड्रोलाइसिस यानी कि आंशिक जल अपघटन, आंशिक बनाया आपने, आंशिक जल अपघटन करवाता तो ये क्या बनता? अपने वापस एमाइड बन जाता। जी सर, तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिएगा सर, क्या कह रहा है ये? देखिए CH3CONH2 दे दिया और ये हाफ मान हाइपरबरोमेट रिएक्शन आ गई। अच्छा, ये है वो जो पीछे वाले अपने सवालों में बात कर रहे थे कि अगर अपने को KOBr दे रखा हो तो ये हाइपमान हाइपरब्रोमेट। जी। और ये हमारे पास ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन भी शो कर देगा। राइट, बहुत बढ़िया। और ये एक कम कार्बन का हमारे को बनाएगा एमीन। जी, एक कम कार्बन की एमीन बना देगा। तो बना देते हैं सर, एक कम कार्बन की एमीन बनाएगा, दूसरा बना देगा CH3NH2 बना देगा। अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवानी है सर? क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। हमारे पास CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। जी, ये कार्बिन बन गई, कार में बैठा है बेस, बैठा दो सर। तो क्या मिल जाएगा अपने को? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मिल गया अपने को आइसोसाइनाइड बैड स्मेल, पसंद स्मेल जिसको बोलते हैं, ऐसी स्मेल जिसको अपन सूंघ नहीं पाते। तो अब इसका क्या कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करवा दो। अब डाइल्यूट दे दिया, डाइल्यूट एसिड दे दिया तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, और कंप्लीट होगा तो इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एमीन, मेथाइन एमीन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मिला सर। अब अपने से क्या पूछा है सर? ए और बी पूछा है। तो ए अपने पास क्या है सर? एक कम कार्बन की एमीन, ये अपने पास ए है, और बी अपने पास क्या है? आइसोसाइनाइड है। कौन सा आंसर हो गया सर? फर्स्ट आंसर हो गया क्या? जी हाँ, ये फर्स्ट आंसर अपना हो गया। राइट जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। इसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस सर, बड़ी फेमस रिएक्शन है, और हमने पहले वाले लेक्चर में भी दिया ये क्वेश्चन। अच्छा, ये भी दिया था, बहुत बढ़िया, रिपीट कर दिया इसका मतलब आपने। तो ये क्या बन जाएगा? ये मिल गया अपने पास बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगी, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? रेडिकल का। ये रेडिकल और ये रेडिकल बन गए। अब इसमें कंजुगेशन के कारण किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का। जी सर, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइट की फेमस रिएक्शन हम पहले बात कर चुके हैं। जी। वैसे तो ये एल्केन बनाने के लिए यूज की जाती है, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन, तीनों बनाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बेंजीन भी बना दी। वाह सर, कमाल के हो सर आप। इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है? बेंजो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव। टार्ट्रिक एसिड यानी कि जिसकी टाट फूटी हुई हो उसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। टाट फूटी हुई हो सकती है। जी, टार्ट्रिक एसिड यानी कि टाट फूटी हुई हो जिसकी, उसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड, यानी कि टार्ट्रिक एसिड। और मीजो भी दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? COOH, OH और CWH, टार्ट फूटी हो उसको कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, और ये मीजो हो गया। और ये मीजो किसके कारण है? मॉलिक्यूलर सिमेट्री के कारण, और इंटरनल कंपेंसेशन भी बोला जाता है इसको। इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल आप बैलेंसिंग भी बोल सकते हैं। जी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर सिमेट्री भी है और इंटरनल कंपेंसेशन होता है। इंटरनल कंपेंसेशन मतलब एक इसमें आर होगा और एक एस होगा। अब ये दूसरे को कैंसिल हो जाता है सर, कि इसमें दो काइरल सेंटर। जी, फिर भी ऑप्टिकली नेगेटिव। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक से ज्यादा काइरल कार्बन लेकर बैठा है। यानी कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक से ज्यादा काइरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। रोटेशन क्या होता है? जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। ऐसे मैंने इसका डायरेक्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया। जी, डायरेक्शन अपन इसका हैवी से लोअर की तरफ करते हैं। जी, यानी कि फर्स्ट नंबर इसको देंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। एक क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। जी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे सर रेसिपिक मिक्सचर होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जी, लेकिन उसका कारण फिर हम उसका बताएंगे, इसका उल्टा एक्सटर्नल कंपेंसेशन बोलते हैं। ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन बता रहा है, इसका मतलब वो क्या है? डी और एल, इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ डी एंड एल,
उसको बोलते हैं racemic mixture, और वो भी enantiomer are optically inactive. Right. या racemic mixture are optically inactive. Enantiomer are optically active. D और L तो optically active होंगे. Compound तो active. जी 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 जी. Mixture inactive. हाँ, ये वाली बात थी सर. यानी कि यहाँ पर ये compound optically inactive. जी जो जी यानी कि मीसो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन बोल दो या मॉलिक्यूलर सिमेट्री बोल दो. ठीक है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री इसमें है नहीं, इसमें तो सिमेट्री है. एक्सटर्नल कंपेंसेशन सर ने बता ही दिया. एक्सटर्नल कंपेंसेशन यानी कि racemic मिक्सचर को बोलते हैं. racemic मिक्सचर यानी कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल. ठीक है, और इनएंसियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव बट racemic मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. जी तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर इसका? कौन सा आंसर आ जाएगा? जी 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 जी. नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें. ये सवाल क्या पूछ रहा है सर? सिट्रिक एसिड का आईपीसी नेम पूछ रहा है. सिट्रिक एसिड वही सर जिसके कारण नींबू खट्टा होता है. राइट. जी 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 जी. सिट्रस फ्रूट में होता है. जी कॉमन नेमिंग सिट्रिक एसिड. अच्छा, ये वाली बात हुई ना. कॉमन से आईपीसी पूछा. जी जी जी. सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? CH2COOH. यहाँ पे क्या आ जाएगा? CCOOH. यहाँ पे आ जाएगा OH. यहाँ पे क्या है? CH2COOH. इसी को बोलते हैं प्यार से सिट्रिक एसिड. अब इसका IUPAC नेम लिखें तो मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दो हो तो मेन चेन में काउंट कर लेते हैं. मोर देन टू आ जाए तो इसका मतलब तीनों को ही छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि तीनों ही मेन फंक्शन ग्रुप है. ठीक है, तो बराबर की संपत्ति मिलेगी तीनों औलाद को. तो मेन फंक्शन ग्रुप तीनों के तीनों छोड़ दो, 1, 2, 3. तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? ये तो जूनियर है, 2-hydroxypropane-1-2-3-tricarboxylic एसिड. इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा सर? ये आंसर अपना राइट हो जाएगा. तो यही मिला. ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर. जी, इस सवाल के बारे में बताएं सर. सीक्वेंस सिलेक्शन का क्वेश्चन है सर. अब टोलुइन ले लिया हमने. टोलुइन दे रखी है. टोलुइन हमारे पास हो गया बेंजीन में जुड़ा हुआ CH3. जी, अब हमारे पास, और सर ये तो फिनाइल सा बना दिया आपने है ना, ये वही है क्या? वही. जी जी. और केवेनो फोर से हमने ऑक्सीडेशन कर दिया. इसका मतलब फाई को अपन लिख सकते हैं. ये जो फाई है इसका मतलब C6H5 है. C6H5. बहुत बढ़िया सर. अब ये डायरेक्ट सर, ये जो बेंजाइलिक कार्बन. जी 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 जी. बेंजाइलिक कार्बन डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHH में चेंज हो जाएगा. यानी कि अगर बेंजीन यानी कि फिनाइल से अटैच कार्बन के ऊपर मिनिमम 1 alpha H है तो वो KMnO4 K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज्ड होकर CHH में चेंज हो जाएगा. कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन हो फिर भी वो किस में चेंज हो जाएगी? और किसी भी एटम के साथ, एनी एटम विद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो भी वो KMnO4 K2Cr2O7 से CHH में चेंज हो जाएंगे. कितने भी अल्काइल ग्रुप लगे हुए हो वो सारे के सारे KMnO4 K2Cr2O7 से CHH में चेंज हो जाएंगे. जी सर, आगे बढ़िए सर. अब ये हमारा देखो सर, ये स्टेप आ गया, ए बन गया हमारा. जी जी जी. अब ये ए से आगे जाकर के हमारे पास SOCl2 में NSR रिएक्शन हो. जी जी जी. थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है. ये OH रिप्लेस हो जाएगा. जी, Cl आ जाएगा. COCl. बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया. बहुत बढ़िया सर, ये आपने बी बना दिया. और फिर बेंजोइल क्लोराइड का हम आगे रिडक्शन करा लेडलार कैटलिस्ट. जी 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 जी. ये रोजनमुंड हो गया. जी जी, रोजनमुंड रिडक्शन करवा दो सर. लेडलार कैटलिस्ट भी. जी जी जी. तो ये हमारा हो गया BDBSO4 के साथ आपने जैसे ही रिएक्शन करवाई, रोजनमुंड रिडक्शन है ये. रोजनमुंड रिडक्शन करवाओगे तो पार्शियली रिडक्शन होता है इसका. पार्शियली और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया. जी, तो आपसे क्या पूछा गया था? सी पूछा गया था. तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपना आंसर? सेकंड आ जाएगा. बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया. नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं. इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर? अब सर देखिए, ये है एल्कोहल एसिड और ये एल्कोहल. अच्छा, इस रिएक्शन से अगर अपन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये एस्टरीफिकेशन हो जाएगा. बहुत बढ़िया, एस्टर का निर्माण हो जाएगा. ये एस्टर बन गया CH3. जी जी जी. CH2COOC2H5 ले लेते हैं. जी, ये एस्टर बना. एस्टर अब ये बन गया इथाइल प्रोपियोनेट का फॉर्मेशन हो गया. और फिर हमारे पास क्या है? GR की रिएक्शन है. CH3MgBr एक्सेस में आपको दे रखा है. सर ये लिविंग ग्रुप हो गया. जी, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा. जी, इसकी इसके साथ एक्सेस देगा सर, दो बार अटैक करवा देगा. जी, एक्सेस देगा, दो बार अटैक करवा. यानी कि एक्सेस में दे रखा है तो थोक में दे रखा है ये. जितनी बार करवाओ, कर सकते हो उतनी बार करवाओ. तो इसका मतलब CH3 दो बार CH3 आ जाएगा और एक इथाइल ग्रुप है. ये टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. जी सर, तो बी अपने से पूछा गया था.
एक पे दो सी एस थ्री आएंगे और एक पे कितने कार्बन आएंगे, कितने कार्बन आएंगे सर? दो सीधे हो गए, दो कार्बन आएंगे। इसका मतलब अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जी सर, तो इसका मतलब पहले एस्ट्रीफिकेशन का निर्माण किया और उसके बाद में एस्टर का किसके साथ रिएक्शन करवाने का कैटलिस्ट का काम करेगा सर। जी 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 जी, एस्ट्रीफिकेशन में कंसंट्रेटेड एस्टर फॉर पर्पस एसिड कैटलिस्ट का वर्क। जी जी, एस्ट्रीफिकेशन की अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो स्टेरिक क्राउडिंग, चाहे अल्कोहल की हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन एस्टरीकरण का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें सर। इस सवाल के बारे में बताएं सर। अब ये ए बना रहा सर। जी जी जी, तो ये NH3 साथ रिएक्शन कराएंगे ना। जी जी, तो ये थैलेमेट बन जाएगा। जी जी जी, तो थैलेमेट हमारे पास क्या होता है, थैलिक एसिड का मेट। जी जी जी, CO यानी कि कार्बोक्सिलिक, ये थैलिक एसिड दे रखा है, थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, ठीक है, तो H ले जाएगा वो, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप हीट कर देंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे, तो ये C आपका लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव, यानी कि CH3 है, एक H4 ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो ये बन गया अपना, ठीक है। अब इसको अपन हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, बाद में इसमें स्ट्रॉन्ग हीट किया है तो डायरेक्ट अपने क्या मिल जाएगा, थैलीमाइड, अमोनिया निकल गया। जी 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 जी, तो ये अपना थैलीमाइड हो गया, तो सी अपना क्या है साहब, थैलीमाइड है, सी थैलीमाइड है, ये अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। HBZ हैलोजन जेलीज की रिएक्शन। अच्छा ये वही है, HBZ यानी कि हैल वोल्हार्ट जिलेंस की रिएक्शन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है। इसके बारे में बताएं सर, ये क्या होती है? देखिए, ये हमारे पास अल्फा एच कंटेनिंग जो भी कार्बो एसिड है, जी जी जी, उनका हैलोजिनेशन होता है, इन पर जैसे रेड फास्फोरस। जी, और जैसे हम रेड फास्फोरस ले लेते हैं और ये I2 ले लेते हैं। जी जी जी, या Cl2 भी ले सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास ये पूछा कौन सा नहीं देगा पूछना है। जी, तो इसके मतलब सर इसमें अल्फा एच है हमारे पास, इसमें नहीं है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। जी, तो हमारा फर्स्ट हो गया। तो इसका मतलब हेल वोल्हार्ट जिलेंस की रिएक्शन कौन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा वो नहीं देगा, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा। मान लो अब ऐसे सवाल भी आते हैं सर, अपने ये भी दे रखा है कि ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को अपने किस में चेंज करना है, CH2 COOH में चेंज करना है, ये NCERT के पीछे वाले, यानी कि जो लेसन के पीछे वाले टॉपिक के लास्ट में जो सवाल दिए होते हैं, कन्वर्जन दिए होते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन है NCERT के, करके देखा करो। तो ये एसिटिक एसिड को आपने किस में चेंज कर दिया, मेलोनिक एसिड में चेंज करेंगे सर, इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे वाला? जैसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, हैलोजनेशन करेंगे। हाँ, यानी कि हेल वोल्हार्ट जिलेंस की रिएक्शन से अपन इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के एक्स लगा देंगे। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा दें, यानी कि Cl2 के साथ फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, तो क्या आ जाता है, CH2 COOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा दें, KCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये बन गया CH2 COOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। अब इसका क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो ये Cl किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एसिटिक एसिड को प्रोपेनिक एसिड में कन्वर्ट करो, प्रोपेनिक एसिड को वापस एसिटिक एसिड में चेंज करो, या फिर एसिटिक एसिड को मेलोनिक एसिड में चेंज करो, इसको वापस इसमें कन्वर्ट करो, तो इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे तो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें, यानी कि जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मोनो, ठीक है, तो वो मोनो में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू ब्लांक रूल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर? अम्लता का क्रम पूछ रहा है। जी जी जी, अम्लता के बारे में थोड़ी सी गहराई से बात बता दो सर। देखो क्या है, जैसे हम कभी भी रिलेटिव एसिटिक स्टेट, जी जी जी, ये हम देखते हैं, जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन कंजुगेट एन एन, जी जी, या कार्बन एन कंजुगेटेड के डायरेक्टली, जी जी जी, कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब के का नेगेटिव, जी जी जी, एंटीलोग होता है, जी जी। अब इसमें हमारे पास क्या है,
स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एलाइन देखेंगे। जी जी जी। अब कंजुगेट एलाइन की स्टेबिलिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होती है। जी जी जी। तो ये इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एसिडिक एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप के। माइनस वाले एसिडिक एंड को इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे। तो सर ने बहुत ही खूबसूरत सी जी 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 एक लाइन में सर ने बता दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड बेस के। कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि एच निकलने के बाद में कौन स्टेबल रह सकता है, किसी के जाने के बाद में कौन स्टेबल रह सकता है, वही उसकी क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो बताइए सर, अब देखिए NO2 जुड़ गए हमारे पास, जी 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 जुड़ रहा है, फिर यहां CHCl2 जुड़ रहा है, NO2 का स्ट्रांग जी जी जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो आ रहा है, अब दूसरा देखो ये फॉर्मिक एसिड आ गया, फिर एसिटिक एसिड आ गया, CO3 गलत हो गया जी, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप यहां आ रहा है। जी जी जी। फिर इसमें देखें तो ये फॉर्मिक एसिड है जी, और ये क्लोरोब्रोमिक, तो ये भी ठीक आ रहा है जी, हां ठीक है जी। और ये वाला देखें तो ये गलत हो गया कि विड्रॉइंग ग्रुप हमारा जी जी जी। कौन सा आंसर हो गया सर? तो इसमें हमारा आंसर हो गया थर्ड हो गया सर जी, थर्ड आंसर हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका माइनस आई बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया, इसका भी माइनस आई है, बहुत ज्यादा था, यहां तक मामला ठीक था, यहां पे दो सीएल आ गए और दो सीएल मिलकर माइनस आई, इन दोनों में से किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी यानी कि कंजुगेटेड बेस की उतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका ज्यादा रहेगा इफेक्ट, तो ये एसिड ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस आई वाला है और इसके ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड जीरो माना जाता है इफेक्ट, आई इफेक्ट, और यहाँ पे प्लस वाला आ गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ? थर्ड की रहेगी। जी सर, यही ऑर्डर रहेगा, ये अपना आंसर मिल गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल के बारे में बताएं सर, जेड क्या है? व्हाट इज अ कंपाउंड जेड? हमारे को पूछा जेड। जी जी जी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ब्रोमीन का कंपाउंड है जी जी जी, और NaCN से करेंगे रिएक्शन जी, तो वी आर लिविंग ग्रुप हो जाएगा और CN अटैक कर देगा दूसरे पहले, तो ये हमारे NSR हो जाएगा जी, CH3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने करवा दी सर, CH2 और ये CN में कन्वर्ट कर जी, CN आ जाएगा, यानी कि इस बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये भागा, और अब ये सर इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे कंप्लीट। जी जी जी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, ये बन जाएगा हमारा CH3 जी, CH2, ये ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया सर, C डबल O H जी। और अब आगे हमारे पास आ रहा है, अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी है, यानी कि एस्टरीफिकेशन करवा दो सर, अब एस्टरीफिकेशन करा देंगे जी जी जी। तो ये हमारे पास हो गया CH3 CH2OH, तो ये एस्टरीफिकेशन से बनेगा CH3 CH2 CH2 COOO C2H5 जी, यानी कि इथाइल ब्यूटेनॉइड का फॉर्मेशन हो गया, इथाइल ब्यूटेनॉइड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि फोर्थ आंसर आ जाएगा एस्टरीफिकेशन। पहले आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया और फिर आपने एस्टरीफिकेशन करवा दी और एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, ये सवाल क्या कह रहा है सर? अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड। जी जी जी। अच्छा, ये मतलब जैसे सी, ये वाला जो डबल बॉन्ड हो तो एक्स, जी जी, ये वाला सिंगल है वाई, और ओ सी के बीच में जो जेड। जी जी। तो ये हमारे को बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है सर। जी, जेड आर देयर लेंथ आर इन द ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। जी, तो बॉन्ड लेंथ के लिए देखिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है सर। जी, तो जनरली ये कहते हैं कि जैसे सिंगल बॉन्ड है जी, तो सिंगल बॉन्ड यानी देखो ये दो चीजें हैं, एक तो बॉन्ड ऑर्डर है जी, और एक है बॉन्ड लेंथ जी, ये दोनों क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जी जी जी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ जी, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है सर, सबसे कम है जी, तो सिंगल है जी, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होने वाली है जी। अच्छा, यानी कि यहाँ पे सिंगल बोन है, यहाँ पे भी सिंगल बोन है, यहाँ डबल बोन है सर, लेकिन सर अब यहाँ ये सिंगल है लेकिन जी, इसमें रेजोनेंस के कारण अच्छा कंजुगेशन हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कंजुगेशन। जी सर, बताएं सर, अब इस डबल में भी हमारे पास क्या है, जैसे सिंगल बोन करेक्टर है, सिंगल में डबल बोन करेक्टर है, तो उसमें हमारे पास ये वैसे डबल बोन था जी, और ये सिंगल है, इसमें डबल बोन करेक्टर आएंगे। बहुत बढ़िया, हमारे पास डबल बॉन्ड जो होता है, जैसे नॉर्मली कार्बन कार्बन ही ले लेता जी जी, कार्बन का सिंगल बॉन्ड ले तो 1.54 एंगस्ट्रॉम जी जी, और डबल बॉन्ड की होती 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड की होती 1.20 एंगस्ट्रॉम जी जी जी। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है जी, तो ये हमारे सबसे ज्यादा तो होने वाली है जेड जेड की, और सबसे कम होने वाली है एक्स की जी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया सर? सेकंड। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि यहां तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा,
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ गए तो इसमें नहीं आ रहे, तो इसकी छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे है ही डबल बॉन्ड पहले से ही, हालांकि यहाँ कॉन्जुगेशन के कारण डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, लेकिन बाद में आएंगे, पहले डबल बॉन्ड है तो पहले है जिसके पास, तो यहाँ पे एक्स की सबसे छोटी रहेगी। फिर उसके बाद में वाई में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं कुछ करूंगा, करूंगा और करने में बहुत फर्क होता है, तो ये कर चुका है पहले से ही और ये करेगा। उसके बाद में जेड, जेड कुछ नहीं कर सकता, जेड कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा और सिंगल बॉन्ड लेकर ही मरेगा। तो इसका मतलब आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है सर, रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा गया है डी। तो ये हमारे को दे दी एल्किन्स, हम एल्किन पे ब्रोमीन की रिएक्शन करा देंगे। ये सर सीसीएन अनसैचुरेटेड टेस्ट भी होता है सर, राइट, यानी कि ये लाल भूरी होती हैं, लाल भूरी होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही एल्कीन में या एल्काइन में अपने Br2CCl4 डालेंगे तो ये कैसी हो जाती है, कलर उड़ जाता है, डी कलर्ड हो जाती है। इसका मतलब ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों के साथ ऐसा बिहेव करती है, लेकिन बेंजीन ऐसे गंदे काम नहीं करती, क्योंकि बेंजीन पता नहीं कौन सा नशा करती है, पता नहीं वो कौन सा नशा करती है, वो मोस्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, यानी कि एरोमेटिक है। तो इसका मतलब एल्कीन इसके साथ रिएक्शन कर लेगी तो क्या बन जाएगा सर, CS2 और यहाँ पे क्या जाएगा Br, और यहाँ पे भी क्या जाएगा Br, ये अपना A मिल गया। अब इसकी KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे और कितने मोल दे रखे हैं अपने को, 2 मोल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पे मिला CS2 और यहाँ पे भी आ गया CN और यहाँ पे भी क्या आ गया CN। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए सर, लेकिन CO2 कब होगा, अब सर जैसे इसमें हमारे पास कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसके लिए मैं एक रूल बताना चाहूंगा इनको जी, ब्लांक रूल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ काम होता है। डिहाइड्रेशन वाला मान लो अपने को CH2 और यहाँ पे N और यहाँ पे क्या दे रखा हो COOH, कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है, N is equal to अपने को क्या दे रखा हो 0 या फिर N is equal to क्या दे रखा हो 1 दे रखा हो, तो ओनली हीट करेंगे तो क्या हो जाती है CO2 रिलीज हो जाती है और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, जी, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर अपने को n is equal to कितना दे रखा हो 2 या फिर n is equal to कितना दे रखा हो 3, तो अपर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बोला, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइड मिलेगा, यानी कि एनहाइड्राइड साइक्लिक मिलेगा। फिर अगर अपन बात करें तो n is equal to क्या दे रखा हो 4 या फिर n is equal to क्या दे रखा हो अपने को 5 दे रखा हो, तो ओनली हीट करेंगे तो CO2 एंड वाटर दोनों रिलीज होंगे, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ब्लांक रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो 2 और 3 शायद उनके बीच में 2 कार्बन है, इसका मतलब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जी सर यही मिलेगा। तो देख लो साइक्लिक एनहाइड्राइड कौन सा है अपने पास, ये वाला है जी सर, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, इस सवाल के बारे में क्या, फॉर्मिक और एसिटिक एसिड में अपन डिफरेंशिएट करना है, जी, एक तो फॉर्मिक एसिड दे रखा है, ये दे रखा है सर, और एक अपने को क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है, बताएं सर इस सवाल के बारे में। इसमें दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इसमें फॉर्मिल ग्रुप आ रहा है, जी, और इसमें क्या है, CH3 आ रहा है, जी, तो फॉर्मिल ग्रुप जो इसका होना है एक अलग से एबनॉर्मलिटी शो करता है, जी, अब फॉर्मिल ग्रुप के कारण ये टोलर रीजन भी टेस्ट शो कर देगा, जी, लेकिन ये एसिटिक एसिड शो नहीं कर रहा है, हम इसको क्या एबनॉर्मल बिहेवियर में लेते हैं सारा, जी, एसिड में, जी, फॉर्मिल ग्रुप केवल इसमें और किसी एसिड में नहीं, अच्छा, तो हमारा क्या पहला सारा विद द हेल्प ऑफ लिटमस, तो लिटमस तो हमारा क्या करेगा, दोनों ही एसिड है, जी, दोनों एसिड है, इसका मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, और कास्टिक सोडा KOH, यानी कि दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, जी, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दोनों CO2 रिलीज करेगा, बहुत बढ़िया, लेकिन अमोनिकल एजेंट रीजन है टोलर एजेंट, जी, उसके साथ केवल फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करेगा, अच्छा, ये अकेला रिएक्शन करेगा, और ये क्यों करता है, कई बार अपने क्या होता है कि पीछे से किसी इंसान को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपन जानते हैं, लेकिन सामने आकर देखते हैं तो वो कोई और होता है, कि जाना होता है कहीं और तेरी और खींचा चला आता हूं,
तो टोलेंट डिसेंट कहीं और जा रहा था, लेकिन इसकी शक्ल देखकर इसको याद आया, यानी कि पीछे से देखकर याद आया कि ये अपना ही बंदा है, ठीक है। तब तक इस पहचान पाता तब तक क्या हो गई थी, रिएक्शन हो चुकी थी, इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जैसी शक्ल है इसकी। कैसी है? फॉर्मेल्डिहाइड जैसी शक्ल है, यानी कि पीछे से देख पर नहीं पर लगा कि ये अपना है, तो इसका मतलब लेकिन था नहीं इस बॉन्ड का सरफेस, ठीक है जी जी जी। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब फॉर्मिक एसिड, तभी तो अपन कहते हैं कि फॉर्मिक एसिड फिलिंग सॉल्यूशन और टोलेन डिसेंट के साथ टेस्ट देता है, ठीक है। तो इसका सर वैसे फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे ना? जी जी जी, CO2 और पानी मिलेगा, ये बताएं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सा सवाल बताया सर ने। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, ये बताएं सर पीके वैल्यू का कंपाउंड, यानी कि जो पीके आया हो। अब सर देखिए क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि के होता है जी और एक होता है पीके, तो पीके क्या होता है जी? माइनस लॉग के जी, यानी के का नेगेटिव लॉग पीके होता है जी जी। इसका मतलब पीके ए जो है ना जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और हम ये कहते हैं के किसका कहता होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड जी, तो हम ये कहते हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके जी। तो यहां पर हमारे को पूछा है पीके की वैल्यू किसकी कंपाउंड की घट रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन करेगा सर? माइनस वाले विथड्रॉइंग ग्रुप होना जी जी जी, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज कर देंगे, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट NO2 का होगा, इसकी कम कर देगा ये, यानी कि Ka की वैल्यू क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा, यस सर। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ NO2 आने पर इंक्रीज हो जाएगी, यस सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर? देखिए ये हमारे पास ND3 और हीटिंग आ रहा है जी जी जी, और ये KOH Br2 है जी जी जी। तो सबसे पहले सर हमारे पास एमाइड बनने वाला है जी जी। तो सबसे पहले हम जैसे बेंजीन रिंग ले ली, इसको फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं जी जी जी, और ये बन जाएगा सर हमारे पास ND2 जी, ये एमाइड बन जाएगा। और फिर अगले वाले जो रिएक्शन हमारे पास हाफ मान हाइपरब्रोमेट रिएक्शन जी 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 जी, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? अब इसमें क्या होता है हमारे को, उसमें ये देखा है CO ग्रुप डिसअपीयर हो जाता है जी जी, और लग रहा है कि ND2 बन जाएगा जी, लेकिन ये क्यों चाह रहा है जी? यहाँ जी, पर हाइड्रोजन जो आते हैं वो बेस से आते हैं, ये बस यही गड़बड़ हो जाती है कि यहाँ पे KOH आ रहा है, तो H कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, और यहाँ D आ रहा है, तो इसका मतलब D आएगा, बस ये बस जाना होता है कहीं और, कहीं और चला गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये अपनी क्या बनेगी एमीन, और क्या बनती है पहले में? अब यदि अपन इसमें तो हमारे पास ये बन गया, लेकिन अभी यदि अपन ND2 ले रहे हैं जी, हम वापस तो पहला स्टेप तो वही है जी, लेकिन हमने अब की बार KOD ले लिया, KOD ले लिया, यहां तो ये था KOH जी, और यहां लिया हमने KOD, एक कम कार्बन की अमीन बनती है, तो जहां पे D आ रहा है दोनों में DD आ रहा है, दोनों में ही DD आ रहा है, ये कंडीशन जी, दोनों में ही DD आ रहा था, लेकिन यहां पे पहले तो क्या आ जाएगा ND की 2, फिर यहां KOH रिएक्शन करेगा, तो इसको D को ले जाएगा और बाद में H देगा इसको, ठीक है। इसमें क्या होती है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, पहले दो मोल सर ये एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने जी, जी जी जी, फिर दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे जी, तो इसका मतलब एक कम कार्बन की अमीन, यानी कि यहाँ से अपन हटाएंगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यानी कि ये आएगा PH और यहाँ पे NH2, ये तो अपना क्या हो गया X, और Y में क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा PH एंड D की 2, यहाँ पे क्या मिला है वाई मिला है, तो एक्स अपने पास ये है और वाई अपने पास ये है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा जी सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, ये क्या कह रहा है सर? बहुत बढ़िया सा सवाल दे रखा है। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है जी जी, तो ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है सर जी, एसिड डेरिवेटिव तो इफेक्टिव नहीं करेगा जी, ये जरूर है कि एसिड कोलोइड को छोड़ जी जी जी, तो एक तो ये जो एसिड ग्रुप हमारा वैसे ही पड़ा रहेगा इसमें जी, और ये जो कीटोन है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल जी, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एस्टर के हाथ भी नहीं लगाएगा, इसकी तरफ देखेगा तक नहीं, केवल एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा ये, तो यहाँ पे O और यहाँ पे अपने क्या दे रखा है OH आ जाएगा, और यहाँ एक पंखुड़ी लगा रखी थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये अपना क्या मिल जाएगा A,
और बी की अगर अपन बात करें तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बोन ट्रिपल बोन को छोड़कर लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट सबका ही क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। अब जैसे इसका ये करेगा तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जी जी जी, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन होगी, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद में आर ये अलग हो जाएगा लिविंग ग्रुप के रूप में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगभग लगभग सबका ही करता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है सिनेमिक सिस्टम में करता है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ है, डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा सर अपना? सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, बहुत ही मजेदार सवाल था ये। जब शुष्क बर्फ की अभिक्रिया ड्राई आइस देती सर, ड्राई आइस सर बड़ा पॉपुलर में CO2 बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CH3 MgBr हमारे पास जी, और ड्राई आइस होता है CO2 जी, मतलब इसकी रिएक्शन करवानी है इसके साथ रिएक्शन करवा जी, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइलिक सर जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो करवाएं सर ये क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां हमारे पास आ जाएगा सर डबल बॉन्ड O ले लेते हैं जी, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और Mg और Br आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए सर, ये दे रखा है उसने एसिडिफिकेशन करवाना है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मिला सर, ये यानी कि ये NCERT के सवाल है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि है, विधि है। और एक सर एक कार्बन आपको एसिड में बढ़ाना है जी, रिएक्शन क्या था? एक तो होता है सेंडिंग सीरीज, एसेंडिंग सीरीज जी, तो अपन इसको एसेंडिंग सीरीज में यूज कर सकते हैं जी, यानी कि एक कार्बन बढ़ाकर एसिड बनाना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पीछे सवाल भी दे रखे हैं कार्बोनिल कंपाउंड वाले सा, जैसे हाफमन हाइपोब्रोमाइड वो डिसेंडिंग जी जी जी, और ये असेंडिंग। बहुत बढ़िया, एक कार्बन का यूज करते हुए क्या रिएक्शन करवानी है, एक कार्बन कम करना है, ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के बेहतरीन सवाल है, आप एनसीईआरटी के पीछे वाले सवाल करें ज्यादा से ज्यादा। बीपी के बारे में बताइए सर, बीपी कब बढ़ जाता है आदमी का, जब कोई टेंशन होती है तब? देखिए आप बीपी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सोचा ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, चलो वो भी टेंशन के कारण बढ़ जाता है सर। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे सर, सबसे पहले डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर जी, यानी कहने का मतलब वंडर वॉल फोर्स पर, अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड। जी जी जी, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो हम सबसे पहला फैक्टर देख लें मॉलिक्यूलर वेट, भार इसमें जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट मान लो जैसे किसी की सेम आ गया जी जी जी, तो फिर हम उसमें क्या है साइड चेन चेक कर लेंगे या ब्रांचिंग चेक कर लेंगे जी, ब्रांच जिसमें ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीपी, और अगर ब्रांच निकल जाएगी यानी कि साइड चेन निकल जाती है तो बीपी क्या हो जाएगा कम, वैसे देखें उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ब्रांचिंग जैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाएगा जी जी, और एक स्फीयर का जो अपर सरफेस एरिया मिनिमम जी जी जी। तो अब यहां जैसे मॉलिक्यूलर वेट की बात करें जी, तो हम इसको दूसरे वे में कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जी, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना जी जी, सबसे स्ट्रांग होता है एसिड में, एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन, ये डाइमर बना लेता है क्या सर? डाइमर बना लेता है। बहुत बढ़िया, जैसे हमारे पास कोई भी कार्बोनिल एसिड हम लेते हैं जी, ये हमने इस तरह से ये एसिड लिया जी, तो इसमें क्या होगा हमारे पास डाइमरेशन जी, डाइमरेशन से सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा जी, फिर एल्कोहल में तो एक ही बॉन्ड बढ़ पाएगा जी जी जी, और इसमें दो बढ़ जाएंगे जी, तो और ये पोलर है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा जी जी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में एल्कोहल का नंबर आएगा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड का नंबर आएगा, और फिर अपने एल्केन का नंबर आता है। अब इसको अपन साइक्लाइजेशन से भी आप इसको जी जी जी, यानी कि डाइमर बनाकर छोड़ोगे आप, नहीं मानोगे, डाइमर बना दो तो ये अब ये इसमें ये हाइड्रोजन जी जी, डबल ये डाइमर बन गया, तभी तो सर आप सॉल्यूशन करवाते हो, तो इसका मतलब उसमें एसिटिक एसिड का 120 यूज करते हो, क्योंकि वो डाइमर बन जाता है, मतलब इसका अपन एसोसिएशन के कारण जी 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 जी। बहुत बढ़िया सवाल बता दिया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका मिला? तीन नंबर का, उसके बाद में किसका मिलेगा? एक नंबर का, और उसके बाद में दो नंबर का। अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, ये सवाल क्या पूछना है अपने, ये दे रखा है सर, इसके बारे में कुछ ख्याल आपको याद आ रहा होगा अभी, ये क्या है? ये हमारा हो गया हेमी जी जी, ये किटेल है, किटेल हाँ जी जी, हेमी किटेल, अरे किटेल है सर, किटेल हो गया जी,
ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा OH, जी जी, फिर ये बॉन्ड वापस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा जी, तो ये साइटोसाइन OH हो जाएगा, ये OH जाएगा जी जी जी। अब एक कार्बन में दो OH आ गए सर यहाँ जी जी, तो फिर यहाँ एक नहीं चीज आप दो बार नहीं घटा सकते, तो वो CH2 में कन्वर्ट जी जी। कितने कार्बन का हो गया सर ये, देखिए ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, एक तो 5 कार्बन का बन गया और एक कितने का बन गया सर, ये बन गया सर, एक बन गया सर साइटोसाइन OH जी जी। तो ये 1 2 3 4 5 6 जी जी जी, बताएं सर ये रहा, ये हो गया सर थर्ड 1 2 3 4 5, ये तो सर एल्डिहाइड बना रहा है, एल्डिहाइड बनेगा ना यहाँ पर एक जी, यानी कि दो एक कार्बन पर OH आ गए, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद में एल्डिहाइड बन जाएगा। सर ने बताया बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, यानी कि 5 मेंबर रिंग अपने को दे रखी है, 1 2 3 4 5, यही ऐसा ही दे रखा था ओ, यहाँ पे एथाइल लगा देते हैं सर, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH जी सर, यही करवाया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या जाएगा, OH, ठीक है। तो इसका मतलब सर ने बेहद ही खूबसूरती के साथ बताया था कि यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या जाएगा, OH, और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, OH, एक कार्बन यानी कि एक नन्ही सी जान पर दो OH नहीं घटा सकते, इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा जी सर, यही कहा था सर ने। यहाँ से क्या बन जाएगा, अपने अल्कोहल बन जाएगा, एथाइल अल्कोहल, और साथ में ये एथाइल अल्कोहल है, ये भी एथाइल अल्कोहल है, पर एक एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड किसमें बन रहा है, इसमें दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं, उसमें दोनों एल्डिहाइड नहीं बन रहे, एक OH आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, क्या कह रहा है ये सवाल, एल्काइन दे करके हमारे को एसिड क्लीन दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रेशन एसिड के, ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक साइड में H जोड़ दो और एक साइड में क्या जोड़ दो, OH, ये इनोल फॉर्म बन गई, प्रोटोमेरिज्म करवा दो, किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि इससे ही मात्र एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूट की प्रेजेंस में, और बाकी सबसे क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलता है। अब किसके साथ रिएक्शन करवानी है सर, K2CrO7, ये ऑक्सीडेशन कर देता है, जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन करवाया किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन करवाया तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, फिर इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सर, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सोल्ट बन जाएगा। जैसे ही आपने बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ क्या सर, बुझा हुआ चूना डालते ही क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या जाएगा, CA, अब इसको हीट कर रहे हैं, ये अपना C बन गया, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन बन गया अपना, एसीटोन, ये मिला सर, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़े, नेक्स्ट सवाल अपने पास कौन सा आ रहा है, ये है सर, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है सर, इसके बारे में बताएं क्या हो रहा है सर। देखिए इसमें KBRO आ रहा है, हीटिंग आ रही है, अच्छा, वो हाफ मान ब्रोमेट रिएक्शन वाला स्टेप आ रहा है जी, और हाफ मान ब्रोमेट साथ में एक तरह हेलोफॉर्म का स्टेप भी जी जी जी, तो ये हेलोफॉर्म करेगा या हेलोफॉर्म करेगा, यानी कि अपन पहले बात कर चुके हैं, जिसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये वाला हो, या फिर CH3CH OH ग्रुप प्रेजेंट हो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, वो क्या शो करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा जी सर, तो बताएं सर इस सवाल के बारे में। देखिए ये OH है ना, जी जी जी, कीटोन में जी, तो आपने कीटोन में चेंज करवा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CWH, और अब ये हेलोफॉर्म बन गया जी 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 जी, CH3 यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 जी, अब इसके हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाएं सर, तो ये बन गया सर CHBr जी, अच्छा आपने सीधे डायरेक्ट बना दिया क्या, इसको पहले कीटोन में करवा, अच्छा जी जी जी, सीधा डायरेक्ट इसका हेलोफॉर्म बना दिया, अच्छा हेलोफॉर्म डायरेक्ट बना दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बताएं सर। अब आगे हमारा हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है जी जी जी, तो ये बीटा कीटो एसिड हो गया,
एक ही कार्बन पर दो सी डबल एच आ जाएंगे, तो इसका मतलब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 निकल जाएंगे, ये बनेगा ठीक है। अब दोबारा फिर हीट करवा रहा है, दोबारा हीट करवाएंगे बीटा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो केवल हीट करने पर CO2 रिलीज हो जाती है, और कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया सर ने बताया कि ये क्या काम करेगा, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्या देगा, ब्रोमोफॉर्म ठीक है, यानी कि KOBr, यही हुआ सर। तो इसका मतलब या फिर ये क्या हुआ सर, Br2+KOH, यही वाली बात हुई। तो बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया बताया एक्सप्लेनेशन सर जी 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 जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल P4O10 है ना सर, ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट जी, P2O5 जो है सर, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि इसको फास्फोरस का फूल भी बोलते हैं, राइट, यही है क्या वो, यही है, ये फूल रहता है क्या, फूल जी जी जी, ये फूल है, ये कोई गुलाब का फूल नहीं है कि किसी को देने के काम आए, ये क्या है, फास्फोरस का फूल है जी सर, बताइए इसके बाद डीहाइड्रेटिंग एजेंट के पहले H2 निकाल देगा ये जी जी जी, और वाटर रिलीज हो जाएगा, मतलब यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया, साइनाइड का, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन गया जी सर, आगे बताएं सर। CH3 MgBr से करवाएंगे जी, तो ये हम पहले भी बात कर चुके जी जी जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी पहले, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिला हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में, ये मिल गया। अब सर क्या करवाएंगे, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका अपने को सॉल्ट लेना है जी 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 जी, अब ये दे रखा है सर I2+NaOH साथ में, ये भी जी जी जी, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया जी, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाला ग्रुप दे रखा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और येलो पीपीटी बनाएगा, येलो पीपीटी तो आपकी इससे बन जाएगी आइडोफॉर्म से, और ये अपने पास क्या मिल गया सर, ये बन गया साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है। अब इसको क्या करवा रहा है सर, अब इसको अपने हीट कर रहे हैं, हीट करवा रहा है, कैल्शियम आपको पता है, अब इसकी इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर, क्यों, क्योंकि एक कैल्शियम का सोल्ट बनेगा 2, और यहाँ पे कैल्शियम दे रखा है तो कैल्शियम का सोल्ट बनेगा, अब इसको हीट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास जी। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल व्हिच मॉलिक्यूल विल गिव फॉलोइंग डाइकार्बोनिक एसिड अपॉन द ट्रीटमेंट विद एसिटिक सॉल्यूशन ऑफ केमेनोफोर जी जी जी, तो अपने को क्या करा, उल्टा क्रॉस दे रहा है जैसे ये जो एल्किन दे करके ये प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये पॉलीएल्किन्स दे रखे हैं अपने को, तो अपने को क्या है, इसमें जो डबल बॉन्ड होता है ना उसको ब्रेक करना है, ब्रेक कर करके और दोनों साइड में क्या जोड़ेंगे, OH OH जी जी जी, यानी कि KMnO4 दे रखा है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में दे रखा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी जी, एल्किन मान लो वो 1 डिग्री है तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, टूटी हुई कीटोन में कन्वर्ट जी जी जी, तो यानी कि यहां पे बात करें तो एल्किन ये तो क्या आ जाएगा, कीटोनों का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है ठीक है, हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर के ऊपर लिया जाता है, और नॉर्मल एल्कीन का अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड वापस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो जिधर एल्डिहाइड आ रहा है उसकी तरफ दो ऑक्सीजन दे दो, और जिधर कीटोन आ रहा है उधर एक ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कीटोन बन गया और ये भी रिंग टूट जाएगी एक साइड में, तो एल्डिहाइड बनेगा और एक साइड में कीटोन बनेगा, तो अब यहाँ पे अगर अपन डबल बॉन्ड लगाएंगे 1, 2, 3, 4 कीटोन बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक रिंग और ये बन रही है, तो अब अपने कर करके देखेंगे क्या करके करके देखेंगे कि क्या होना चाहिए, एक ये प्रोडक्ट चाहिए जी, ये प्रोडक्ट चाहिए, अब इससे क्या प्रोडक्ट आएगा सर, यहाँ पे डबल बोन ऑक्सीजन और यहाँ पे भी डबल बोन ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बोन ऑक्सीजन और यहाँ पे भी डबल बोन ऑक्सीजन ठीक है सर, तो बताएं किससे बनेगा ये, अब देखिए सर, अब इसमें आप फोर्स से बन जाएगा क्या सर, फोर्स से भी चेक कर सकते हैं जी जी जी, ये फोर्स चेक कर लेते हैं जी, ये डबल बॉन्ड आ गया जी, और ये हमारे पास वही दो ऑक्सीजन आप जी जी, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में जी, फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जी, तो इधर हमारा कीटोन आ गया जी, और इधर हमारा दो ऑक्सीजन आ जाएगा जी जी जी, तो इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है, तो कितने कार्बन है सर इसमें, 5 मेंबर रिंग है, एक ऑक्सीजन है, ये 5 मेंबर रिंग है सर और एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है, इधर पंखुड़ी लगी हुई है, पंखुड़ी के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक पंखुड़ी और लगी हुई है, इसका मतलब फोर्थ आंसर आ जाएगा जी सर, तो अपन कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं, सारे इधर दो ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और इधर दो ऑक्सीजन, ये तो अलग ही हो गया सर पार्ट, ये भी पार्ट अलग हो गया ठीक है, ये भी अलग हो गया, यहाँ रिंग बची नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला था कि क्या फोर्थ से बना सकते हैं, तो डायरेक्ट अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा जी सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, ये सवाल क्या पूछ रहा है सर अपने से, ये हमारे पास कीटोन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है
अच्छा ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है वो? CH3CNH जी, साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करवा रहा है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे CH3 किसके साथ रिएक्शन के साथ, ठीक है, साइनोहाइड्रिन प्रोटोन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या जाएगा CN, ये अपना साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया, ये मिला सर। अब क्या पूछ रहा है वो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो सर, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो जी। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या जाएगा CWH और OH रहेगा, OH रहेगा जी सर। कौन सा आंसर मिल जाएगा अपने को? फर्स्ट आंसर मिल जाएगा जी सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, इसके बारे में बताएं जब प्रोपियोनिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो उसे CO2 कहां से आती है? कहां से आती है? वहीं से आती है जहां से आनी चाहिए थी, सोडियम बाइकार्बोनेट। जी जी जी, सोडियम बाइकार्बोनेट से आती है। कहां से आती है? सोडियम बाइकार्बोनेट से आती है। ये एसिड स्ट्रांग होता है, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो बाइकार्बोनेट में से CO2 रिमूव होती है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इसका तो सोल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, और क्या बनेगी? वाटर बनता है और CO2, और ये CO2 मान लो स्टार लगा दिया मैंने, कहां से आती है? बाइकार्बोनेट से आती है जी सर। तो आगे सवाल की ओर बढ़े, बताए सर। देखिए टोलुइन लिया है केमेनोफोर, तो टोलुइन हमने वापस ये टोलुइन की स्ट्रक्चर हमने CH3 लिए थे जी, और ये केमेनोफोर से वही बेंजाइलिक कार्बन CH2 किस में चेंज हो जाएगा? ये COOH बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर NSR हो गई हमारे पास, लीविंग ग्रुप हो गया जी, Cl लगा दो इसको रिप्लेस करके बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, और फिर हमारे पास आ गया NH3 जी, तो फिर ये लीविंग ग्रुप है जी। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि मोर रिएक्टिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये उल्टी गंगा नहीं बह सकते कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये NH2 एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, Cl एक बेटर लिविंग ग्रुप है, एमाइड तो बेस्ट है जी 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 जी, यानी कि ये स्ट्रांग बेस हो गया और वीक पुअर लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं, स्ट्रांग बेस एंड पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा सर इसका? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, बताएं सर। एमाइड तो जो है ना सर, एमाइड तो सॉलिड स्टेट में होता है जी, फिजिकल स्टेट ही चेंज होती है। अच्छा, सारे ऐसे डेरिवेटिव है जी, और जी, एमाइड एक अकेला क्या सॉलिड है जी जी जी, तो इसका जो प्रॉपर्टी पूरा चेंज जी, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट अपन देखते हैं 28 जी, अपने को ये स्टेप रिएक्शन दी और ये पूछ रहा सी क्या बनेगा जी, तो सबसे पहले सर हमारे पास है बेंजोफिनोन जी, कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवा रहा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो ये राइट ऑक्सीम का फॉर्मेशन हो जाएगा सर, राइट, यानी कि डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा जी जी, ये ऑक्सीम आ गया सर जी, अपने पास ए मिल गया ए जी। PCl5 क्या काम करता है? PCl5 सर हमारे पास एक रिएक्शन आती है, रीअरेंजमेंट होता है जी जी जी, उसका नाम क्या है सर? बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट जी, इसमें क्या बेकमैन रीअरेंजमेंट को एमाइड में कन्वर्ट जी जी, मैं चाहूंगा सर कि आप बेकमैन रीअरेंजमेंट की स्टोरी बताएं कुछ। देखिए बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है कि हमारे पास अभी जो ऑक्सिम बन रहा है जी जी, ऑक्सिम में जो OH ग्रुप होता है ना जी जी, उसका एंटी ग्रुप क्या होता है? रिप्लेस होता है जी, एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, माइग्रेट होता है जी जी, माइग्रेट जो ऑर्डर का जो टेंडेंसी आता है जी, पॉजिटिव ग्रुप का आता है जी, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमाइड में जी। ठीक है सर, बताएं सर। देखिए ये हमारे पास था, अभी जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, जैसे हमने जी 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 ये लिया था NOH, यहां लोन पेयर ऑफ लेविन लोन पेयर जी, OH का दोनों सेम सेम है, तो कोई भी हाथ ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा जी, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है PCl5, ये कैटलिस्ट हो गया जी जी जी, PCl5 भी ले सकते हो, POCl3 भी ले सकते हो जी, POCl5 भी ले सकते हो, कंसंट्रेट H2SO4 भी यूज कर सकते हो, या फिर हिंसा करके बर्गर भी खा सकते हो, हिंस बर्गर रीजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे अब इसमें रीअरेंजमेंट होकर के हमारा जी 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 बनेगा, यानी कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है मेनली, तो एच पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करता है जी सर, राइट, तो ये है तो गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी कि pH यहाँ पे क्या जाएगा? pH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, और यहाँ पे OH और H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मोर ये एटम अपने आप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, तो इसका मतलब ये एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है, सर ने बताया कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा,
तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास, ये पीएच, यहाँ पे कार्बन डबल बोन एन, और यहाँ पे क्या जाएगा पीएच, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें वाटर डाल दो, जैसे ही अपने वाटर की रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे ओएच आ जाएगा, ठीक है, इनोर फॉर्म बन जाएगी, फिर उसमें टोटोमेरिजेशन करवा देंगे तो ये अपने बन जाएगा। जी सर, यही बनाया, यही सर ने बताया बेहतरीन तरीके से। अब सर तो, आगे इसमें जी 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 बीआर2 की रिएक्शन करवा रहा है, जी 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 ईएसआर कुछ लिया जी, और ईएसआर अब हमारे पास देखिए ये जो ये बना था सर, यानी कि अपने ये बना है बेंजीन लगा देते हैं अपने, यहां पे एनएच है और एक साइड में फिर बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और यहां पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी अपन क्या बना देते हैं बेंजीन बना देंगे, जी 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 दोनों ही है, कौन सी मोर रिएक्टिव है वही मोर रिएक्टिव होगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जी जी ये लोन पेयर इसकी कंजुगेशन ज्यादा जी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जी जी जी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर जी, यानी कि सर ने बताया कि ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ माइनस एम है और ये प्लस एम है, ये तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और ये माइनस वाला बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, जो मोर रिएक्टिव यानी कि एक्टिवेट रिंग होगी जिसके ऊपर एक्टिवेट ग्रुप लगा होगा वही प्रोडक्ट मेजर बनाएगा, यानी कि ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें से मेजर कौन सा बनाएगा ऑर्थो वाला या पेरा वाला, पेरा वाला बनाएगा, ठीक है, बीआर पॉजिटिव यहां से आएगा क्यों, क्योंकि इसका प्लस एम के साथ साथ माइनस आई भी होता है, ठीक है, तो प्लस एम के अकॉर्डिंग प्लस एम तो ऑर्थो और पेरा दोनों पे इक्वल है, लेकिन माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा होता है पेरा पे कम होता है, इसलिए इसका मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पेरा वाला, यही आंसर आ जाएगा सर। नेक्स्ट सवाल को इसमें हमारे पास बैक वन रिअरेंजमेंट भी हो गया, जी जी जी, और प्लस ईएसआर भी हो जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, ये सवाल क्या दे रखा है सर, बेहतरीन सवाल है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रिडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए सर इसमें हमारे पास क्या है, दो कार्बन ग्रुप आ रहे हैं, जी जी जी, अब दो कार्बन ग्रुप के एडजेसेंट जो भी कार्बन आ रहे हैं, जी जी जी, उनके ऊपर मोर एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि सीओ ग्रुप ये दे रखा है, तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा सबसे पहले, वही एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है ये, तो OH नेगेटिव इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, किसके पास, अल्फा H के ऊपर, जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया तो अपने पास क्या मिल जाएगा सर, ये मिल गया डबल बोन O, डबल बोन O, और यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अब किसके ऊपर अटैक करेगा, इसी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ से अपने पास जो मिला है वो क्या मिला है, कुछ ऐसा मिला है यानी कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बोन और यहाँ पे क्या है ये मिल गया। अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, H2SO4 भी दे रखा है यानी कि हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा है, तो इसको अपन डायरेक्ट H दे देते हैं, और बेसिक मीडियम भी दे रखा है, तो OH नेगेटिव वापस इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि अब इसके ऊपर ही करेगा, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो इसका मतलब अपने पास क्या मिल जाएगा, कुल मिलाकर ये मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ दे रखा है ऑक्सीजन OH, यहाँ पे O और OH आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये थ्री मेंबर रिंग है और स्ट्रेन ज्यादा है, इसका मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सर, कुछ अपने फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा OH जिस कार्बन से अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे क्या है डबल बोन ऑक्सीजन, और यहीं पे क्या लगा हुआ है OH, और ये इधर आया है, इसका मतलब उसी कार्बन से है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब अपने क्या दे रखा है एच पॉजिटिव उसमें दे रखा है, तो इसका मतलब अपने को क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा कि एक ही कार्बन पर तो क्या आ जाएगा OH और एक ही कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, जी सर ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन होगा, जी जी मैकेनिज्म बेस, और बहुत ही बढ़िया सवाल भी मैकेनिज्म बेस, तो कौन सा आंसर आ जाएगा सर, आंसर इसका अपना हो जाएगा फर्स्ट, हो गया फर्स्ट आंसर हो गया जी सर, तो साफ करें इसको और आंसर फर्स्ट हो गया जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल के बारे में बताएं सर, देखिए एल्कोहलिक क्यों चाह रहे हैं, जी जी जी, तो जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को स्टिमुलेट करेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि E2 रिएक्शन देगा, बहुत बढ़िया, तो यहां से हमारे पास क्या एल्कीन बन जाएगा, जी 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 ये एल्कीन, जी 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 एल्कीन बना दीजिए सर, ये पी बन गया सर, जी अब पी के बाद में फिर हमारा ओजोनोलाइसिस होने वाला है, जी 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 ओजोनोलाइसिस से पी बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा सर, जी अब O3 H2 दे रखा है, जी तो ये डायरेक्ट हमारे पास दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, दो CW चल रही है, CW आ गए, ये आ गए हमारे पास 5 मेंबर रिंग, ये OH, जी ये OH ये बन गया सर, बहुत बढ़िया ये बन गया सर, हमारा Q तक कष्ट जी।
अब हमारा बेरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, सोल्ट, सोल्ट बना देगा ये, वाटर रिलीज हो जाएगा, फिर इस पे हीटिंग इफेक्ट आएगा, जी 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 ये देखकर ड्राई डिस्टिलेशन, जी 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 यहां पे क्या आ जाएगा अपने, ये दोनों एच इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और यहां पे क्या आ जाएगा बीए, जैसे कैल्शियम था उसी फैमिली का, ये बेटा मांगे कन्या सुंदर भाग रोए, तो यहां से जैसे बीसी, जी 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 तो अपने इसको हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सर का साइक्लिक, वही यानी कि ये रिमूव हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, फिर जैसे ट्राई डिस्टिलेशन अपन कैल्शियम लेते हैं वैसे बेरियम लेते हैं, वहां पे भी ये दे दिया, बहुत बढ़िया। तो ये था अपना आंसर फोर्थ, तो ये अपना था एसिड एसिड डेरिवेटिव, तो ये हमारा एसिड एसिड डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। तो एनसीईआरटी के पीछे वाले जितने भी सवाल दे रखे हैं वो सारे के सारे करिए, ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, जय सीएलसी। अगला सर हमारा कौन सा, एन कंटेनिंग, जी एन कंटेनिंग का अगला, एन कंटेनिंग सर मिलते हैं, ओके स्टूडेंट, जी जी थैंक यू, जय सीएलसी।